जय हो इंद्रदेव, हर हर महादेव, जय हो जाए बस बारिश, हे प्रभु, बस हे प्रभु, हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, बस दिखा दे चमत्कार, दिखा दे चमत्कार। बहुत जरूरत है इस टाइम, बहुत ज़्यादा जरूरत आज। इसी वोट भी दिया और बारिश भी हुई गाइस, ये देखिए आप वोट की पावर। हे प्रभु, हे प्रभु, बस एक डेढ़ घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, उससे ऊपर जितनी मर्जी हो जाए, पर एटलीस्ट एक घंटा हो जाए ना, तब जाके कुछ राहत मिलेगी इस धरती माँ को। ये देखो ऊपर से सूरज, सूर्य भगवान भी है, नीचे बारिश है चली हुई, लेकिन सूर्य भगवान और बारिश का कॉम्बिनेशन हमेशा ही खतरनाक होता है, हमेशा सूर्य भगवान ही जीतता है इंद्रदेव से। लेकिन देखते आज क्या पता इंद्रदेव जी भारी पड़ जाए सूर्य देव जी पे। ये भगवान बस इंद्र के जी, आप थोड़ा सा भारी हो जाओ आज, आज सूर्य देव को चकमा दो आप। सूर्य देव भी ऊपर से देख रहे हैं कि भाई मैं चकमा नहीं देने दूंगा, मैं बहुत बुरा हूँ, इतने एक महीने से तुम्हारी, दो महीने से रेल बना कर रखी है, अभी और बनाऊंगा। लेकिन सूर्य देव जी बोले नहीं, आम जनमानस काफी डरी हुई है कि बारिश नहीं हो रही है, चारों तरफ जंगल में आग लग चुकी है, आग लग रही है, बहुत सारे जानवर मर चुके हैं, अब मुझे बारिश करनी ही होगी। तो आप देख सकते हैं सूर्य देव जी और इंद्रदेव जी के बीच कॉम्पिटिशन आपस में। सूर्य देव जी वहां से और भयंकर रुद्र रूप धारण कर रहे हैं, और इधर से इंद्रदेव जी भी अपना रुद्र रूप बारिश का धारण कर चुके हैं। दोनों के बीच खतरनाक कॉम्पिटिशन गाइस, बहुत मजा आ रहा है इस कॉम्पिटिशन को देखने में। ओ भाई बहुत मजा आ रहा है, देखो भाई साहब नजारे नजारे, ये देखो आप, ओ भाई बल्ले 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 हो गई तेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। देखो आप सुंदर नज़ारा, इतना शानदार नज़ारा दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। हमारे हिमाचल में ऐसे बोला जाता है कि जब सूर्य देव जी और बारिश इकट्ठी होती है ना, जैसे बारिश भी लगी हो और सूर्य देव जी का भी प्रकोप हो, तो उस दिन गिद्दड़ की शादी होती है। अब पता नहीं कौन से जंगल में गिद्दड़ की शादी लगी हुई है, देखो इधर, लेकिन बारिश ने मजे करवा रही है। सूर्य देव जी बोले बेटा नहीं, इंद्र भगवान जी, इंद्र भगवान जी बोले नहीं बेटा सूर्य देव, तुझे रुक नहीं, बेटा इंद्रदेव तुझे रुकना ही होगा। लेकिन इंद्र भगवान जी ने बोला कि नहीं, मैं थोड़ी बहुत राह तो दे के ही छोड़ूंगा लोगों को, जो मर्जी हो जाए। वाह जी वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, बल्ले बल्ले होगी, बल्ले 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 होगी जी, बल्ले बल्ले। सो फाइनली देख सकते हैं आप दोस्तों, लगभग दो मिनट में ही सूर्य देव जी इंद्रदेव जी के ऊपर भारी पड़ गए। ये देखो आप, अपना रुद्र रूप धारण कर दिया है सूर्य देव ने, और यहाँ पे इंद्रदेव जी भी बेचारे हल्के हल्के अपना लोगों को हल्की हल्की राह तो इन्होंने दे ही दी है। जितनी भी दी भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितना मिल जाए हम तो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। ओहो, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।